हाय गाइस, दिस इज सेइंग दैट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एक्सपेक्ट द बेस्ट. कि हम लेके चलते हैं कि ये गड़बड़ अगर हो गया तो क्या करना है. फाइन, बिकॉज यार गांधी ने कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे में भी थप्पड़ पड़ जाए तो क्या करना है वो हमें नहीं बताया गया. सो दैट 10 थिंग दैट कैन गो रॉन्ग ऑन द एग्जाम डे. सो एम लिस्टिंग ऑल 10 ऑफ देम इंपॉर्टेंट फॉर इंपॉर्टेंस एंड एज वी गो अलॉन्ग विल डिस्कस उस ऐसा अगर हो गया तो क्या करना चाहिए. तो आप भी मेरे को अपने बताना कमेंट्स में कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हो गया तो क्या करना है. नंबर वन थिंग, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट फियर ऑफ एवरी स्टूडेंट, व्हाट इफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन केम कम इन द एग्जाम जो नहीं, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व देम. दिस आई थिंक दिस वॉज अ बिगेस्ट नाइट मेयर फॉर मी कि यार एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए जो मुझे पता नहीं कि शुरू कैसे करना है तो लग गए. सो दैट्स ऑलवेज नंबर वन. नहीं लग गए तो बाकी कर यार, वाई टू वरी अबाउट दैट. आप लेके चलो, हर साल हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे विच आर देयर टू ब्रेक योर मेंटल पीस. तुम्हें को नहीं करने. स्क्रीन के ऊपर एक बटन दिया होता है हर एग्जाम में, एक नीचे एक बटन दिया होता है लाइफ सेविंग बटन. किसी को नहीं पता उस बटन के बारे में. देयर लाइफ सेविंग. कभी भी टेंशन में आओ, स्ट्रेस में आओ, सैड फील कर रहे हो, चुपचाप वो बटन दबाओ और तुम्हारी सारी टेंशनें खत्म. वो बटन का नाम है नेक्स्ट का बटन. कैसे भैया, देयर आर सेइंग ना थिंक ओवर द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स. आई से सिंपली भैया चेंज द बॉक्स. क्यों दिमाग लगाने का अपना, नहीं कर पा रहे सॉल्व, आगे बढ़ो. ठीक है, होगा. आप लेके चलो, दो तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे होंगे जो मुझे पता ही नहीं कैसे करने. नंबर टू ऑन माई लिस्ट इज वॉट इफ द पेपर बिकम वेरी टफ. देख भाई, अगर पेपर टफ आ गया तो यहाँ पे पसीना छूटेगा. पहला क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए, इमेजिन करो. दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाए. तीसरा क्वेश्चन बहुत चिंदी टॉपिक परसेंटेजेस का, नहीं कर पाए. चौथा नहीं कर पाए, पांचवा नहीं कर पाए, देन द डैमेज इज डन. ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न अगेन एंड बिग फियर कि अगर नहीं पेपर सॉल्व हुआ तो क्या करने का. देखो भैया, याद रखो, अगर तुम्हारा कट रहा है तो तुम्हारे साथ वाले का भी कट रहा है. इंडिया में सबसे ज़्यादा खुश पता कौन है, जिसका नेबर दुखी है. फाइन, अगर सारे साथ में दुखी है तो पेपर टफ, सबके लिए टफ है ना, तो टेंशन ही खत्म. तो टेंशन की बात करने का, यू डोंट वरी अबाउट द पेपर पैटर्न. योर परसेंटाइल विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड एज पर द अटेम्प्ट्स ऑफ एवरीबडी एल्स. अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है. तुम उसमें से कितने कर पा रहे हो तो अपनी बात कर. ठीक है, तो जो पेपर गंदा छोड़ दे. ठीक है, ऐसे घटिया टॉपिक में हाँ यार, बोनी का टाइम, पहला क्वेश्चन हमेशा बोनी का टाइम होता है. सो बोनी में ऐसे क्वेश्चन में हाथी को डालना जो टॉपिक तुम्हें आते नहीं अच्छे से. पिक अप द फेवरेट टॉपिक आगे जाके. सो यू हैव टू एडजस्ट दैट. नंबर थ्री इज पैटर्न चेंज. कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दिए. होता है भाई, हर एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि पैटर्न ही चेंज कर दिया पूरा. ठीक है, इन दैट केस दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पुट टाइम फर्स्ट इन एवरी एग्जाम, चाहे कैट हो, सीईटी, स्नैप, एनमेट. आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर द टाइमर. क्योंकि अगर तुमने अपने टाइमर के ऊपर प्ले किया गेम तो क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता कितने क्वेश्चन है. सो ऑलवेज प्ले, अपना टाइमर फिक्स करके चलो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थ्री. नंबर फोर, व्हाट इफ आई रीच द सेंटर लेट. तो भाई, सुबह पहले टाइम पे निकल जाना. अलार्म दो दो जगह पे लगा दो, कभी कभी एक अलार्म नहीं बजता है. तो अब पहले अपना सेट लेके चलो कि भाई गड़बड़ हो सकती है, मुझे गड़बड़ नहीं करनी है, मुझे टाइम पे पहुंचना है. तो प्लीज़, ये मिस्टेक का कोई सोल्यूशन नहीं है. अगर तुम लेट पहुंचे तुम कुछ नहीं कर सकते. तो आप अपनी डेडलाइन लेके चलो, डेडलाइन से पहले वहां पहुंच जाना. एंड नंबर फाइव ऑन द लिस्ट इज एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए, आईडी कार्ड ले जाना भूल गए. तो भाई, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं. अभी कभी बैग में अपना आईडी कार्ड डाल लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने वाली है. एंड माई रिक्वेस्ट इज, अगर आप अपने पेरेंट को साथ लेके जा सकते हो, पेरेंट या ब्रदर या फ्रेंड, किसी को भी अगर आप साथ रख सकते हो, वो मेंटल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो होती है बिकॉज ऑफ द एग्जाम स्ट्रेस यू फॉरगेट. तो अगर आपका पेरेंट्स साथ में है तो वो आपका टेक केयर कर सकते हैं. वो इज मेनली फॉर द मेंटल सपोर्ट, ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ता है उससे. नंबर सिक्स ऑन द लिस्ट इज व्हाट इफ द कंप्यूटर फ्रीजेस और रीस्टार्ट. देख भाई, आई गिव वन एग्जांपल. कंप्यूटर शट डाउन होकर रीस्टार्ट हुआ, कितना टाइम वेस्ट हुआ, 2 मिनट. बट आई हैव स्टूडेंट्स हु क्लेम के देयर परसेंटाइल फॉलन बाय 20%. फॉर एग्जाम्पल, उसके ही वो एक्सपेक्टिंग 95% इन कैट और सीईटी, ही गॉट 75%. क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ भी, एक दो मिनट की वजह से रहा. यस, होता है. वाई, द मोमेंट घर पे लाइट जाती है तो पता हम बचपन में क्या करते थे, पहले दौड़ के 12 कहते थे पड़ोसी की लाइट है कि नहीं, उसकी भी गई है तो कटा, सबका कटा, कोई टेंशन नहीं है. अगर तुम्हारी लाइट गई है और पड़ोसी घर पे लाइट है तो तुम्हारी लग गई. फिर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ लेकिन बाजू वाले का मस्त चल रहा है, तो तुम गए. फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही बढ़ता है.
तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया तुम कुछ कर नहीं सकते। ऑल वी कैन डू इज आप अज्यूम करके चलो कि अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ दो क्वेश्चन तुम्हारे वेस्ट जाएंगे, दो क्वेश्चन तुम कम कर पाओगे, बस 95 के जगह 93% एल आएगा, 94% एल आएगा, बस ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं। किस्मत पांडू है तो पांडू है, तो उस समय ज़्यादा सोचने का नहीं, आगे बढ़ो। फॉल्टी माउस या कीबोर्ड, या स्टार्टिंग में अपने माउस को चेक करो, कीबोर्ड की ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है एग्जाम में, बिकॉज यू डोंट नीड द कीबोर्ड, ओनली नीड टाइप योर पासवर्ड फॉर द कीबोर्ड, बट बाकी जगह चाहिए। चेयर में व्हील टूटा होता है, कुछ होता है, वो पहले ही अपनी खड़े हो जाओ भैया वहाँ पे। मैंने 2-3 साल पहले मेरे से ऐसा हो गया था कि मेरा ना रिवॉल्विंग सीट था, नीचे सीट का एक व्हील बैलेंस नहीं था, टूटा था, सीट ऐसे ऐसे झूम रही थी। मैंने बोला एक बार दो बार इज्जत से बोलता रहा, नहीं क्यों ना, एक घंटा मैंने ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम दिया। मैं सोचा कि चल ठीक है, इसी बहाने थोड़ी बॉडी का वो एक्सरसाइज हो गया, बट क्योंकि मैं एग्ज़ाम में टाइम पास करने आता, तुम लोग एग्ज़ाम सीरियस से जाते हो तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़। सो जैसे ऐसा हुआ वहीं के वहीं खड़े हो जाओ, नहीं जाऊँगा मैं आगे जब तक तुम्हें ठीक करके नहीं दोगे, पेन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, पानी नहीं है, खड़े हो जाओ वहाँ पर, ठीक है, पानी पीना है, कुछ भी करना है आपको वहाँ जाके, यू कैन डू दैट। नंबर 8 ऑन माई लिस्ट इज लाइट चली गई। होता है भैया, हर सेंटर में ऐसा होता है। सी इफ इट अ एयर कंडीशन सेंटर इट विल बी कम्प्लीटली एनक्लोज रूम, वहाँ लाइट चली गई कुछ नहीं कर सकते, आपको पसीने में एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी एयर कंडीशन हॉल होते हैं दे नॉर्मली आर एनक्लोज एरिया, दे नॉट लाइक खिड़कियाँ होती हैं जहाँ से तुम खोल सकते हो खिड़कियाँ, या बंद होते हैं, कैमरे लगे होते हैं तो वो कांट डू एनीथिंग। लाइट चली गई आपको, अगर तो कंप्यूटर भी शट डाउन हो गया तो तुम्हारा टेंशन ही खत्म हो गया, सबके साथ हो ना, अकेला तो ना कटा है, सबके साथ कटा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो उसकी। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, रीस्टार्ट हो गया, यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। नहीं मिला तो वहाँ पे कंप्लेंट कर लो भैया, जो करना एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, एक बार सेंटर से बाहर आ गए तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्ट्रेस यू आउट टू पुट इन द स्ट्रेस, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हमेशा मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, एक बार ये चीज़ें डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होना, बाद में आगे केस करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं तुम्हारी सुनने वाला, जो होगा सेंटर में होगा, क्योंकि द मोमेंट एग्जाम इज ओवर सेंटर इज गोइंग टू सेंड अ रिपोर्ट कि भाई एग्ज़ाम ठीक ठाक हमने पूरा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद तो कुछ भी बोल कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, तो पहले बोलना वहीं के वहीं बोलना। नंबर 9 ऑन माई लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर्स कॉल। मैं कुछ गलत खाना मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़ गुड़ होनी शुरू हो जाती है, आई डोंट नो अबाउट आपके होता है, मेरा तो होता है भैया, थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो जाए गड़बड़ शुरू, या पानी ज़्यादा पी लिया, ये ज़्यादा पी लिया, यू नीड टू पी और यू नीड टू ईट समथिंग दिस एंड दैट, फाइन, ईट का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए पहले खा के जाओ। मैंने आपको पहले ही क्या कह रखा है कि एक चॉकलेट वॉकलेट आप पहले एग्जाम में घुसने से पहले प्लीज़ अपना खाना खा के जाना, बिस्किट का पैकेट, चॉकलेट का पैकेट अभी बैग में रख लो, बिकॉज समटाइम्स सेंटर्स आर वेरी फार अवे, जिसका मॉर्निंग स्लॉट आपके शायद आजू बाजू कोई दुकान भी ना हो, तो अपना एक जूस ये वो पहले ही गटक के अंदर जाना एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। हाँ, वहाँ जाके अगर सुसु आ गया, कुछ आ गया, मैं तो हर साल ये करता हूँ भैया, पहले ही बोल देता हूँ वहाँ जाते ही कि सर मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को बार बार जाना पड़ेगा, तो ओके ओके ओके, दिस एवरी ईयर दिस सेड ओके ओके ओके, ठीक है, शाम को देख के लगता है कि साला है ही बीमार आदमी, फेस से बीमार लगता है, तो दे सेड ओके ओके ओके। सो एवरी ईयर अपन बिंदास दो बार ब्रेक लेते हैं, अभी तो कैट का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का, पहले 3 घंटे का, दो घंटे का, जब 3 घंटे का कैट का एग्ज़ाम होता था तो मैं मस्त पे के घूमता था, सीटी में हर साल दो ब्रेक लेता हूँ, हर एग्ज़ाम से पहले मैं ब्रेक लेता, एग्ज़ाम के ड्यूरिंग ब्रेक लेता हूँ, जाके मस्त घूम के आने का, यहाँ वहाँ लोग कितना बढ़ रहे हैं, लेकिन विजिलेटर के भैया यहाँ मैं एग्ज़ाम तुम्हारा कर, हाँ बड़ा कर 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 करो करो अच्छे से करो अच्छे से करो अच्छे से करो, ठीक है। तो किसी भी बीमारी का नाम, हाई फीवर बीमारी का नाम लेगा सर, छोटा मोटा नाम लेने का ही नहीं सर, बुखार है रक्त ना, बड़ा बड़ा हाई फाइन सर, एड्स है, फेंक सला। लास्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट इज बार डमडम बज रहा है, ढोल ये वो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैपन ऑन संडे, सैटरडे संडे वीकेंड पे पार्टी हो ही रही होती कहीं ना कहीं, बारात है, शादी है, ये है, तो बार डमडम होना, इन्विजिटर आके आपको डिस्टर्ब करना, वो तुम लेके चलो कि तुम होने ही वाले हो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, गेट यूज टू इट, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भंग होगी, बिल्कुल भंग होगी, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर MBA, ठीक है। सो दीज आर द 10 थिंग विच कैन गो रॉन्ग ऑन द एग्जाम डे, अगर मैंने कोई मिस किया हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एड इट इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अगेन दिस वॉज नॉट टू डीमोटिवेट यू, दिस वॉज टू टेल यू कि क्या हो सकता है, और गलती से भी ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, ऑल द बेस्ट।